गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग किसी भी रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 4, रूट अंडर 5, कोई भी अंडर रूट नंबर को हम लोग नंबर लाइन सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सीखेंगे। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने सीखा होगा किसी भी रैशनल नंबर या फ्रैक्शन या कोई भी होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स को कैसे नंबर लाइन सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत आसानी से आप लोग रिप्रेजेंट करना सीखे होंगे, बट वो भी इरेशनल नंबर जो रूट अंडर के अंदर हो उसको रिप्रेजेंट करना नहीं सीखे होंगे। अगर सीखे भी होंगे तो एक बार बहुत ध्यान से देख लो, आज हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। क्लियर? तो इस सबसे पहले कोई भी अंडर रूट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको नंबर लाइन बनाना जरूरी है, ड्रॉ करना जरूरी है। तो आपको इतना तो पता होगा कि नंबर लाइन हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चों। बहुत अच्छा, नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, ये मेरा स्ट्रेट नहीं है, इसको हमको स्ट्रेट ड्रॉ करना होगा, है ना? ठीक है, अब नंबर लाइन ड्रॉ किया तो ये मेरा क्या है, जीरो है। अब जीरो के राइट हैंड साइड हम हमको क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। इसको मैंने पॉजिटिव लिखा, 1, 2। ठीक है, अब जीरो के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होता है, -1, -2। इस एक्सिस का नेम भी दे देते हैं हम, नामकरण, नेमिंग। ठीक है, मैं बना रहा हूँ, मैं नामकरण दे देता हूँ एक्स। इसका ये ओरिजिन है जीरो, इसका एक्स डैश। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, अब बोल रहा है कि रूट अंडर टू को हमको इस नंबर लाइन सिस्टम में, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए नंबर लाइन में कि जो जीरो से वन का जो लेंथ होता है और वन से टू का जो लेंथ होता है वो इक्वल लेंथ होता है। ठीक है, अब जीरो से माइनस वन का जो लेंथ होगा, माइनस वन से माइनस टू का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा। हर एक यूनिट का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनिट लेंथ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट लेंथ बोलते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग को क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग यूनिट लेंथ ड्रॉ करेंगे। कहाँ से कहाँ ड्रॉ करेंगे बच्चों, वन से हम लोग एक यूनिट लेंथ ड्रॉ करेंगे। स्केल के हेल्प से ड्रॉ करना, देखो अभी मैं व्हाइट बोर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग नोटबुक में जब ड्रॉ करोगे तो आप लोग स्केल यूज़ करना। ठीक है, कंपास भी आप लोगों को यूज़ करना है, स्केल आप लोग ये नंबर लाइन जब ड्रॉ करोगे तो स्केल की हेल्प से ड्रॉ करना, आपको कंपास का भी ज़रूरत पड़ेगा इसमें। तो जीरो से वन का जितना लेंथ है, यूनिट लेंथ जो आपने कंसीडर किया है, जितना आपने जीरो से वन का लेंथ लिया है, सेम लेंथ आप यहाँ से यहाँ भी ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ से यहाँ जो लेंथ लिया है वही लेंथ हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। आप लोग स्केल की हेल्प से मेजर करना। ठीक है, मैं अप्रॉक्सीमेटली इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं यहाँ ड्रॉ कर दिया, इसका नाम भी दे देता हूँ, ये ओ है, यहाँ पे दे देता हूँ ए, इसका नाम दे देता हूँ बी, अपने अकॉर्डिंग नाम दे दिया। आप ड्रॉ कर रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग नाम दे देना। ठीक है, यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, नामकरण हम कर रहे हैं, आप ड्रॉ करोगे नामकरण आप कर देना। यू कैन गिव द नेमिंग अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान देना, आप क्या करोगे, ओ से बी को आपको क्या करना है बच्चों, कनेक्ट कर देना है। ठीक है, ओ से बी को आपको क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। ये जीरो है, इसका जीरो को ओरिजिन को नाम दिया हूं मैं ओ। ठीक है, ए इसका नाम दिया, वन का मैं नाम क्या दिया ए, और इसका नेमिंग क्या दिया हूं बी। क्लियर? अब यहां पे ध्यान देना, ये एक मेरा ट्रायंगल बन गया, इसका यूनिट का लेंथ क्या है, यहां से यहां का यूनिट लेंथ मैं लेने बोला हूं, तो ये वन है, इसका भी यूनिट लेंथ क्या है, वन है। जितना लेंथ ये है उतना लेंथ सेम लेंथ का है, ये जितना लेंथ का ये है उतना लेंथ का ये है, मतलब ओ ए का जो लेंथ है वही लेंथ ए बी का भी है। ठीक है, तो ओ ए का यूनिट लेंथ है मतलब वन लेंथ है, तो ए बी का भी लेंथ कितना है, वन है। ठीक है, अब ये ट्रायंगल बन गया बच्चों, परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करना है, ये जो ए बी है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, स्केल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। अब आप ध्यान देना, ये एक ट्रायंगल बन गया, अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, क्या फॉर्मूला पता होगा ट्रायंगल का, पाइथागोरस के थ्रू एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यही होता है ना पाइथागोरस थ्योरम। जब ट्रायंगल 90 डिग्री बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है।
ठीक है, तो हमारा यहाँ एच क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाला है, हाइपोटेन्यूज होता है लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो हमारा यहाँ पे हमको ओ बी का लेंथ फाइंड करना है बच्चों, तो ओ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है हमारा, ओ ए का होल स्क्वायर प्लस बी क्या है, ए बी का होल स्क्वायर। अब हम इसको ओ बी लिखते हैं यहाँ पे, अंडर रूट ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ सॉल्व करते हैं, अब ओ बी का हमको लेंथ निकालना है, तो ओ ए का लेंथ कितना है, यूनिट लेंथ मैंने बोला था, यूनिट लेंथ 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ओ बी का देखो 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1, तो ओ बी इज इक्वल टू रूट अंडर 2। ओ बी का लेंथ कितना आ गया बच्चों, रूट अंडर 2, तो इसका लेंथ हो गया रूट अंडर 2। क्लियर, अब आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक द कंपास, अब आपको कंपास ले रहा है, ठीक है, पुट द टिप ऑफ द कंपास इन दिस पॉइंट, ओरिजिन पे कंपास का टिप रखना है, आपको कंपास यूज करना है, अब ओरिजिन पे कंपास का टिप रखना है, और कंपास का टिप रखने के बाद आप एक आर्क ड्रॉ, ये देखो कंपास का टिप है, ठीक है, अब कंपास का टिप यहाँ से रखने के बाद एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है, क्योंकि ये मेरा हाथ कंपास है, कंपास के लिए मेरा टिप है, अब उसके बाद मेरा कंपास का टिप थोड़ा छोटा पड़ रहा है, अब उसके बाद यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर दोगे, ठीक है, यहाँ देखो एक आर्क ड्रॉ कर दोगे, मतलब कंपास का टिप यहाँ है, ऐसे करके एक आर्क ड्रॉ करोगे, ठीक है, समझो ये पेंसिल यहाँ गया और ये आर्क यहाँ आया, ठीक है, तो यही मेरा रूट अंडर 2 हो गया, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट अंडर 2 कंप्लीट, इजी था, बहुत आसान था। अब सेम आपको बोले बच्चों कि मान लो रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू रिप्रेजेंट रूट अंडर 3, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, क्योंकि आप रूट अंडर 3 हम इसी में आपको बता देते हैं, फिर से हमको वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखो रूट अंडर 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करोगे, आप एक 90 डिग्री यहाँ पे बनाओगे, ठीक है, 90 डिग्री बनाओगे, कितना यूनिट लेकर के, 1 यूनिट लेकर के, 1 यूनिट लेकर के, स्केल की हेल्प से 1 यूनिट ले लोगे, जितना लेंथ ये लिए हो उतना ही लेंथ यहाँ भी लोगे, ठीक है, सेम लेंथ लोगे, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो, मैं अप्रोक्सीमेशन में ले रहा हूँ, ठीक है, अब इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दोगे आप, ये B है तो इसका नाम दे दो C, इसका लेंथ कितना हुआ 1, जितना लेंथ ये है, जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ ये लोगे, अब इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ बच्चों, अब यहाँ पे देखो फिर से ये 90 डिग्री एक ट्रायंगल बन गया, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो गया, तो अब यहाँ पे हमको ओ सी का लेंथ निकालना है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ओ सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ये बी हो गया रूट अंडर ओ, तो अब यहाँ पे बी क्या हो गया, ओ बी का होल स्क्वायर प्लस पी क्या हो गया, बी सी का होल स्क्वायर, तो ओ सी रूट अंडर ओ बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ओ बी हमारा क्या है, रूट अंडर 2 है, तो ओ सी रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर प्लस बी सी क्या है, 1 का होल स्क्वायर, ओ सी रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1, तो ओ सी क्या हो गया रूट अंडर 3, देखो ये रूट अंडर 3 हो गया, क्लियर। अब फिर से वही प्रोसेस फॉलो करना है, कंपास का टिप आप यहाँ रखोगे, ठीक है, अब कंपास का इसको लेंथ को बढ़ाओगे यहाँ तक ले जाओगे, और फिर एक आर्क आप यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे, यही हो गया रूट अंडर 3, क्लियर। अब इसका नामकरण भी कर दो, रूट अंडर 2 का कुछ नामकरण यहाँ कर दो, टी कर दो, इसका एल कर दो, ठीक है, यू कैन गिव द नेमिंग अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, हो गया, आसान था, बहुत आसान था, ठीक है, इसी तरह कितना भी आप कर सकते हो, 90 डिग्री 1 यूनिट लेंथ को इंक्रीज करते हुए जितना भी आप आगे फर्दर मूव कर सकते हो। आई होप सबको समझ आ गया होगा, चलो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो, थैंक यू।